Good evening, class. In our previous class, we have started our new chapter in chemistry, that is chemical kinetics, chapter 4. So in previous class, we have studied that what is the chemical kinetics deals with. It deals with the rate of reaction, whether the reaction is very fast or very slow. And we have learned that various types of condition in it. जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि reactions कैसे कैसे bimolecular होते हैं, trimolecular होते हैं, कैसे एक step से दूसरे step पे depend करता है. तो उसके बारे में हमने study किया था. फिर हमने ये भी study किया कि reactant जो है product में convert होता है and टाइम के साथ साथ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गैस कंप्लीटली डिक्रीजेस विद टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गैस इंक्रीजेस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ वी हैव स्टडीड एंड ऑल्सो वी हैव मेड अ इक्वेशन ऑफ रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट विच वी हैव स्टडीड एंड टूडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डेफिनेशन इसकी ये है कि मॉलिकुलरिटी में केवल हमको ये रिएक्शंस को देख करके प्रिडिक्ट करना रहता है कि उस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमने 1 या 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिए तो हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरे के पूरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. तो वो क्या बताता है, मॉलिकुलरिटी को वो बताता है. ठीक है, जस्ट सपोज जैसे कि कोई रिएक्शन है कि H2 प्लस Cl2. ठीक है, ये बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. यानी यहाँ पे H2 का एक मॉलिक्यूल और Cl2 का एक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं. यानी यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन यदि मैं यहां से देखूं, मैं आपसे पूछूं कि कितने मॉलिक्यूल्स मेरे एट अ टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इस रिएक्शन के लिए मैं बोल सकता हूं कि मेरी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2. ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल स्टेप पे ना होकर के 2 या 3 या 4 स्टेप्स में टेक प्लेस करते हैं. बट कुछ रिएक्शन को जब हम एट अ टाइम पे लिखते हैं तो हम उसको एक साथ लिख देते हैं, हम वहां पे स्टेप वाइज उसको डिफरेंट एक्सप्लेन नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे उस दिन बताया था कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है H2O2, ये ब्रेक होता है H2O प्लस O2 में. ठीक है, यहां 2 एंड यहां पे भी 2. ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था कि ये सिंगल स्टेप पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये 2 स्टेप में होता है. यानी कि H2O2 फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रेक्स इनटू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड देन फर्दर द नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यानी अगर मैं देखूं तो मेरे को जो दिखने में एक्चुअली में लग रहा है तो जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है यानी कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2. तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2. बट एक्चुअली यदि मैं देखूं तो जो मेरा स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है मेरा, ये है. यहां पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होगा. तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो सिर्फ दिखता है, जो रिएक्शन में हमको जो दिख रहा है, वो हमारे लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है. ठीक है, सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी, इट इज द टोटल द सम ऑफ द नंबर ऑफ द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एनी केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या फिर और यू कैन कॉल इट अ कोफिशिएंट. ठीक है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एनी केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, ना ही कभी निगेटिव होगा. इट कैन बी आइदर 0 और इट कैन बी आइदर पॉजिटिव नेचुरल नंबर. ठीक है, ये इंटीजर में कभी नहीं होगा. मॉलिक्यूलरिटी हमेशा आपका 0 या फिर पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी ये निगेटिव की तरफ नहीं जाता है, या कभी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में नहीं रहता कि 3/4 या 2/6 हो गया या फिर समथिंग लाइक 5/2 हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. नाउ व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू है कि बस आपको रिएक्शन लिखा हुआ है, आपने उस रिएक्शन में देखा और आपको जो भी समझ में आया आपने लिख लिया. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन, कि कितने मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जस्ट सपोज देयर इज एन एग्जांपल कि CH3COOC2H5 का रिएक्शन जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करवाते हैं,
ठीक है, तो इट गिव सी एच थ्री सी ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। ठीक है, अब ये रिएक्शन यदि मैं देखूं तो इसका वन मॉलिक्यूल और इसका वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये रिएक्शन दिखने में कैसा लग रहा है, बाई मॉलिक्यूलर। क्या लग रहा है, बाई मॉलिक्यूलर, यानी जब किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी वन हो तो यूनी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी टू हो तो बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी थ्री हो तो ट्री मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इसको जब हम ले रहे हैं तो वन प्लस वन यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए, टू, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितने हैं, टू है। तो ये देखने में रिएक्शन का जो पता चल रहा है वो मॉलिक्यूलरिटी है, बट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो इट हैज बीन फाउंड दैट कि द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपका वाटर मॉलिक्यूल कितना भी क्यों ना हो, ये इस पे कभी डिपेंड नहीं करता है, टोटल मॉलिक्यूल रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन दिस कंपाउंड CH3COOC2H5। ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करता है, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। ठीक है, तो इसमें यानी कि जो भी पूरा रिएक्शन मेरा डिपेंडेंट है, यानी जो स्लोएस्ट स्टेप मैंने आपसे उस दिन कहा था, यानी कंप्लीट जो मेरा रिएक्शन डिपेंडेंट रहेगा वो केवल ईस्टर पे रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल पे नहीं रहेगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली कंसीडर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो नहीं कि यदि वो है उसके रहने या रहने ना रहने से रिएक्शन में यदि फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर वैसे फर्क नहीं। जैसे कि सिंपल सी बात समझिएगा कि यदि मैं 10 ml ईस्टर ले लूं एंड 100 ml वाटर मॉलिक्यूल लूं तो भी मेरा रिएक्शन उतनी ही स्पीड से होगा जितना चाहे मैं 2000 ml वाटर क्यों ना ले लूं। यानी मेरा रिएक्शन वाटर के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ईस्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या बताते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, सो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज वन। ठीक है, जब अब मॉलिक्यूलरिटी जब यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन होता है जैसे एक लॉन्ग रिएक्शन देखा हो, अब या तो फर्स्ट एक से स्टेप में होगा, दो स्टेप में होगा, थ्री स्टेप में होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो केवल थ्री स्टेप्स तक ही हम कैलकुलेट करते हैं, उससे ज्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी स्टेप। ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही आपका डिफाइन करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लोएस्ट रिएक्ट स्टेप जो रहता है वही आपका डिफाइन करेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन ओनली बी कैलकुलेटेड अप टू थ्री स्टेप, थ्री स्टेप के बाद मॉलिक्यूलरिटी होती भी नहीं है जनरली, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द एनी स्टेप। ठीक है, नाउ जैसे कि मॉलिक्यूलरिटी के मैंने बारे में मैंने कहा कि वो जीरो नहीं हो, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी लिखा जाता है। साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, ये हम लोग डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि एजम्पशन लगा दी या कुछ लगा दिए नहीं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। सो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो कि हम केमिकल रिएक्शंस को देख करके एज्यूम करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। देयर इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी क्वांटिटी विच वी कैलकुलेट द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो पॉजिटिव और फ्रैक्शन। सो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस, केमिकल रिएक्शन दिस टेक प्लेस। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने हिसाब से तो नहीं होता है, उनके लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे बर्फ, पानी का बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए कंडीशन क्या है कि कूल एटमोस्फेयर होना चाहिए, ये वो उसके लिए कम है, कंडीशन की टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए एंड प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए। एंड लाइक कन्वर्जन ऑफ वेपर इंटू वाटर और लाइक वाटर इंटू वेपर, तो अगर वाटर इंटू वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या रहता है कि उसको काफी ज्यादा बॉइल करना पड़ता है, तो ये उस पर कंडीशन रहती है। तो पहला इसमें हमने पढ़ा कि टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल फॉर एनी रिएक्शन। तो टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है, तो ये हमको आगे चल के स्टडी करना है। इसी चक्कर में एक टॉपिक है आरेनियस इक्वेशन, वो को स्टडी करना है। सेकेंड है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऑल्सो एफेक्ट्स द कैंडिडेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन पे हमने स्टडी किया हुआ था कि जब भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो शुरू शुरू में रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होते जा रहा है तो वैसे ही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। तो दिस थ्री फैक्टर्स आर बेसिकली इफेक्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी हैव टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो गाइस, लेट अस टेक अ रिमाइंड कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल काइनेटिक डेफिनेशन, वेरियस केमिकल रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर, सिंगल मॉलिक्यूलर एंड रिगार्डिंग दैट मेनी कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड, कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हमें डिनोट करना है, क्यों निगेटिव साइन का यूज किया जाता है, कैसे हमें रेट लॉ के इक्वेशन को डिनोट करना है। टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द जीरो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। यानी इन दिस क्लास वी हैव टू स्टडी, जैसे जीरो ऑर्डर हमने पढ़ा, जीरो ऑर्डर का मतलब रहता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना रिएक्टेंट का उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, कि जस्ट सपोज ए इज कन्वर्टिंग इन टू बी, ठीक है, तो इसका कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन होके रहेगा, रिएक्शन होके रहेगा। यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन में डिनोट करता हूं ए नॉट, तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, और आई कैन राइट इट एज डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके जीरो पावर पे रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज आपको मैं और बताना भूल गया कि जस्ट सपोज कि इसी कोई रिएक्शन चल रहा है x is to the power 2 plus y is to the power 3, तो और आपको इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे ये कुछ भी बन रहा है z plus c कुछ भी, तो यदि आपसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आपको जस्ट इसके पावर को ऐड कर देना है, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2 plus 3 is equal to 5। ऐसे एक और रिएक्शन अगर आ जाए x 2 is to the power 3 plus y is to the power 3 by 4 एंड आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए, या जस्ट सपोज कि ये 3 है तो आपको क्या करना है 2 by 3 plus 3, तो इट इज 11/3 ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पावर को ऐड कर दीजिए। इन द केस यदि ऐसे बदल दिया जाए कि x is to power 3 is converting something, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसको आपको स्टडी करना है। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आई विल टीच यू दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो Now let us learn what is zero order reaction. The reaction in which the conversion of reactant into product is completely independent of the concentration of your reactant. यानी वो concentration of reactant पे depend नहीं करेगा, reaction हो रहा है। Just suppose कि atmosphere में कितना hydrogen है, कितना oxygen है, उस पर depend नहीं कर रहा, पर water molecules का form होगा and rainy season आएगा। इट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, यानी रेनी सीजन की बात नहीं करें, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन है वो H2 एंड O2 से बन रहा है, इनके रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, जहां से भी उनको मिल रहा है वो रिएक्शन कर जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जस्ट सपोज ए इज कन्वर्टिंग इन टू बी, ठीक है, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है जस्ट सपोज कि वो आर है, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ए का कॉन्सेंट्रेशन आर है, बी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। यानी कि जब आपका रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो उस समय ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आर है एंड जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो है, यानी प्रोडक्ट आपका बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। इट मीन्स अब जब कुछ समय के बाद जब रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया तो ये कुछ ना कुछ इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है, यानी मेरा रिएक्शन इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज आर रेज टू द पावर जीरो, यानी इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो एज पर मैथमेटिक्स रूल माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा के, एंड एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पहले डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ये आएगा। सो हाउ वी कैन डिराइव इट, आई कैन राइट इट माइनस डी आर अपॉन डी टी
इज इक्वल टू के, ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो होगा तो वो हमेशा वन होता है। सो माइनस डी आर, एंड मैं डी टी को इधर लेकर आके मल्टीप्लाई करवा दिया डी टी। अब मैंने उस दिन ये कहा था कि जब भी हम कोई रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम केवल एक इंस्टेंटेनियस टाइम को कंसिडर करके चलते हैं, न कि होल पीरियड के लिए हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ डी आर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बस मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कॉल कैलकुलेट किया एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो उसमें जब भी आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम ये आपको लिखना जरूरी है, इंस्टेंटेनियस टाइम, इस टाइम के लिए बस आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो अब छोटे से टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर दी होल टाइम टी, फॉर होल टाइम टी, फॉर होल टाइम इंटरवल मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करा दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी माइनस डी आर के इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। अब रिएक्शन मेरा टाइम कहां से चल रहा है, जीरो से टी तक के लिए टाइम के लिए चल रहा है, क्योंकि पूरा जीरो से लेकर के टी यानी जब तक मेरा पूरा कंप्लीट लेटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज आर, सो माइनस आर, एंड इट इज के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है कि जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट हम सी उसके साथ क्या करेंगे, एड करेंगे, ठीक है। सो वॉट आई कैन राइट इट, माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। अब हमें सी की वैल्यू कैसे ना कैसे करके डिराइव करनी होगी। सो जब मैंने पहले वाला इक्वेशन लिखा कि जस्ट सपोज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब मेरा ए बी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, तो जब टाइम जीरो था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने आर लिया, तो जस्ट सपोज इसको आर में लेकर के मैं आर नॉट ले ले रहा हूं, आर नॉट, ठीक है, एक मतलब सिंपल सा आपको सिर्फ आर नॉट लीजिए ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड जब मान लीजिए कि टाइम टी मेरा स्पेंड हो गया तब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। यानी मेरा जो कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो इस पे बच रहेगा कि कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरा रिमेनिंग बच रहा है, ये पूरा का पूरा उस पे डिपेंडेंट रहेगा। तो जब मान लीजिए आपका रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस दौरान जो नोटेशन रहेगा वो आर नॉट रहेगा, एंड जब टाइम टी बीत गया है आफ्टर टाइम टी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज आर, ठीक है। सो When at time t is equal to zero, जब टाइम जीरो है उस वक्त r की क्या वैल्यू है, r नॉट, इस r की जगह क्या लिख दूंगा, r नॉट माइनस r नॉट इज इक्वल टू k, एंड टाइम जीरो है तो जीरो प्लस c, सो ये तो जीरो हो जाएगा k इंटू जीरो, जीरो तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस r नॉट, ये आ गई। सो फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन वन सी इज इक्वल टू सॉरी माइनस आर इज इक्वल टू के टी, एंड सी की जगह क्या ले दूंगा, माइनस आर नॉट, आर नॉट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, सो आर नॉट माइनस आर के इंटू टी, और रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू की इसका डेरिवेशन है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि उस टाइम तक कितना रिएक्टेंट मेरा कंज्यूम हो गया, तो ये रिमेनिंग बताता है। ये आर क्या डिनोट कर रहे हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन बताया, जस्ट सपोज कि 100 ग्राम मैंने लिया उसमें 70 ग्राम कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 30 ग्राम, तो यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरी 100 ग्राम, एंड फाइनल कितना हो गया 30 ग्राम, एंड कितने टाइम में वो कंज्यूम हुआ है। सो यूनिट ऑफ के विल बी इसकी यूनिट मोल एंड इसकी यूनिट सेकेंड, सो के विल बी मोल पर सेकेंड, तो ये यूनिट आपको याद रखनी है। यानी कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रेट कांस्टेंट दे देता है एंड बोलता है टाइम कैलकुलेट करो, तो ये यूनिट के थ्रू आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
ठीक है क्लास। तो यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन मैंने कंप्लीट कराया है। प्लीज रिवाइज दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड न्यूमेरिकल्स भी हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इन अवर नेक्स्ट क्लास। बट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि आपको समझ में नहीं आया है या फिर से पढ़ाइए तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब एंड प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक एंड टेक केयर ऑफ यू।